फ्रेंड्स, एडियो स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर पूरा इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना मेन जो है टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसके टाइप्स इंडिकेटर्स है। ठीक है, इंडिकेटर्स में आपको जो टॉपिक मिलेंगे वो नेचुरल, सिंथेटिक और ऑब्जेक्टिव, इस टाइप से रहेगा। सेकंड जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एसिड्स। एसिड्स के जो सब कैटेगरी वो है आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में है थर्ड जो है टॉपिक वो है बेसिस। बेसिस के अंदर अलग अलग टाइप जो है उसके वो भी आपको देखने को मिलेगा इन डेप्थ चैप्टर में। और उसके बाद में जो है एसिड प्लस बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का भी है, वो भी एक टाइप आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप से मैंने ये डायग्राम बना रखा है जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी बच्चों। तो फर्स्ट अपन देख लेते हैं, जो फर्स्ट इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स के बारे में इन डेप्थ जो है इसका फर्स्ट डेफिनेशन जो है, इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज दियर कलर और ऑर्डर व्हेन एडेड इनटू एन एसिड और एन अल्कलाइन सॉल्यूशंस, बेसिकली टिल अस वेदर ए इस टाइप से इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, फिर इसमें इसके इंडिकेटर्स जो है उसके टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और ये इसकी पूरा डेफिनेशन समझाया हुआ बच्चों। फिर उसके बाद में है ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स। ठीक है, ये थर्ड इसका टाइप है, और इसका ये इसका पूरा डेफिनेशन है, इसका क्या क्या रोल है इसके अंदर वो पूरा समझाया हुआ है। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है एसिड, एसिड्स। ठीक है, एसिड्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद का टॉपिक आएगा बच्चों, ये इसका पूरा समझाया हुआ है। और फिर एसिड्स का पूरा ये फॉर्मूला टाइप भी दिया हुआ है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड तो इसका H2SO4। ठीक है, तो ये किस टाइप से इसका फॉर्मूला बना वो पूरा समझाया हुआ है। ये सेकंड जो है नाइट्रिक एसिड है, फिर उसके बाद में हाइड्रोक्लोराइड एसिड है, ये पूरा आपको विथ एग्जांपल आपको समझाया हुआ बच्चों। फिर आया है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। अगर आपको बच्चों इसमें ज़्यादा समझना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी ये पूरा देख सकते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो रिएक्शन विथ म्यूचुअल कोरल मेटल, ये हाइड्रेशन कलरनेट है। ठीक है, और ये इसका आपको फॉर्मूला दिए बताया हुआ है, पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल CO3+2HCl, ये एरो, और इसका ये पूरा फॉर्मूला है। अच्छा, अभी हम टेस्ट फॉर CO2 गैस। ठीक है, इसका मीनिंग मतलब CO2 जो गैस है उसका एक टेस्ट लेके देखेंगे किस टाइप से CO2 गैस बनेगी। ठीक है, व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू टाइम लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्म एक्शन ऑफ वाइट पार्टिसिपेट ऑफ CaCO3। ठीक है, तो ये CO2 गैस का जो है CO2 गैस के बारे में समझाया हुआ है कि CO2 गैस बनती कैसे है। ठीक है, किस टाइप से बनेगी वो आपको बताया गया है इसमें, और ये इसका एक फॉर्मूला भी दे दिया गया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में है बट इफ़ CO2 इज पास्ड इन एक्सेस मिल्किनेस डिसअपीयर्स ड्यू टू द फॉर्मुलेशंस ऑफ CaCH CO3 / 2 विच इज सोल्यूट इन वाटर। ओके, CaCO3 + H2O एरो CO2 एक्सेस CaCH CO3 / 2। ओके,
ओके, उसके बाद में आया है रिएक्शन विथ मेटल्स ऑक्साइड्स, ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, ठीक है, ये आपको एक ध्यान में रखने जैसा है पॉइंट है। इसमें वापस में मैं आपको समझाता हूँ, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, इजी। फॉर एग्जांपल इसका दिया हुआ है C4O प्लस टू HCl एरो CaCl2 प्लस H2O, इसका ये पूरा किस टाइप से बना है विथ एरो आपको समझाया है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचुरल, ये मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचुरल है, ठीक है, ओके। उसके बाद में आया बेसिस, ठीक है, अभी बेसिस पॉइंट है वो भी आपको समझा देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें फर्स्ट जो पॉइंट आया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो इसमें है टेबल ट्रेबर, ठीक है, टर्न्स रेड लीसन्स टू ब्लूज, फील्स सिपली ऑफ सिपली टू स्किन, ठीक है, स्किन बेसिस। अब इसका पूरा आपको विथ फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है, बेसिस के ये फॉर्मूले हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें आया है आपका रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स में मेटल प्लस बेस एरो साल प्लस हाइड्रोजन, ये जो अपन समझ रहे हैं ये टॉपिक प्लस ये वाला टॉपिक जो पहले मैंने आपको समझाया था, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद में इसका फॉर एग्जांपल Zn प्लस टू एन ए ओ एच एरो एन ए टू जेड एन ओ टू प्लस एच टू, ठीक है, इसका बेसिस को भी मेटल कंटेनर में नहीं रखते, ठीक है। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड, ठीक है, इसमें आपको जो समझाया गया है वो बेस प्लस नॉन मेटलिक ऑक्साइड एरो साल प्लस वाटर, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट है वो एसिडिक फॉर्मेट है, ठीक है, एसिडिक फॉर्मेट है एरो साल प्लस वाटर, ठीक है, इसका आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला है CO2 प्लस Ca ओब्लिक OH ओब्लिक 2 एरो CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर्स, इन नेचर नेचुरल फॉर्मेट में वो एसिडिक होता है, ठीक है। अभी एसिड प्लस बेस, अभी एसिड प्लस बेस के बारे में हम समझेंगे बच्चों, ओके। एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, इन दिस रिएक्शन एसिड नेचुरलाइजेज ए बेस आई ई एसिड न्यूक्लियर और रिड्यूसेज द इफेक्ट ऑफ ए बेस और वाइस वर्सा, दस द रिएक्शन इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन रिएक्शन, ओके। एसिड प्लस बेस एरोसॉल प्लस वाटर, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH एरो NaC1 प्लस H2O, ये किस टाइप से बना, S प्लस Ci HCl NaOH, ठीक है, ये इस टाइप से पूरा पूरा फॉर्मूला बना, ओके फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट ओके बाय बाय, सॉरी नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें फिर ये है ट्रिक, एच प्लस और ओ एच से एच टू ओ पानी बना दो लगा दीजिए खुना में, है ना, दो भी लिए।